Hey you guys, this is your Akanshi and welcome back to the new video. And जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, so that is only because मैं बाहर बैठ के shoot कर रही हूँ क्योंकि मुझे sunlight चाहिए थी. And fans भी off है because वरना background noise आता है and यहाँ पे AC नहीं है. So please ignore that part. If you guys remember, मैंने थोड़ा time पहले अपने Instagram पे एक poll डाला था that do you guys want me to shoot video for my jewelry collection. तो उसमें से most of you guys said yes for that. So that's why I'm shooting that today. And one more disclaimer that मैंने already a video shoot किया था, but मेरी file corrupt हो गई. So I'm shooting it again for you guys. And but that's not a problem. सब चलता है, सब best है. So let's get started. Okay, so basically मेरा क्या सीन है कि मैं वेस्टर्न ज्वेलरी ज़्यादा पहनती हूँ और इंडियन ज्वेलरी या कंटेम्प्रेरी बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ. तो मेरे पास उसमें सिर्फ एक दो पीसेज ही है तो मैं उससे स्टार्ट करती हूँ. एंड सब कुछ ऐसे कुछ नया नहीं है. बेसिकली मेरे पास काफ़ी मतलब जो काफ़ी ईयर्स का मेरा पूरा कलेक्शन है मैं वो आपको दिखा रही हूँ. और आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे नेक पीसेज दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कि मैं मेरे रिंग्स एंड अदर चीज़ें डालूंगी. सो आज के लिए ज्वेलरीज. सो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल नेक पीस. सो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा क्योंकि ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था. तो मैं इसे मेरे मोस्टली इंडियन वेयर्स के साथ पहनती हूँ. तो ये कुंदन का है. तो ये ऐसे ना हम पीछे से भी पहन सकते हैं, लाइक ये डबल साइडेड है. ओके, इसको पीछे से पहनो या आगे से पहनो, इट्स द लाइक दोनों तरफ से यू कैन वेयर इट. एंड फिर मेरे पास एक बहुत ही प्रिटी सा ऐसा चोकर है जिसको कि यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक दिस एंड जस्ट लुक एट इट, दिस लुक सो प्रिटी. लाइक ये आप इंडियन पे भी पहन सकते हो, वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो. सो दिस इज फॉर बोथ द थिंग्स एंड दिस इज जस्ट वेरी प्रिटी. एंड ये बहुत ही ज्यादा पुराना है. बेसिकली आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज. ये बहुत ही ज्यादा पुराना है. बेसिकली ये अराउंड मुझे 3 इयर्स हो गए लिए हुए, बट ये अभी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और मैंने इसे बहुत पहना है. नेक्स्ट अप दैट आई हैव इज दिस प्रिटी चोकर. ये मतलब बहुत ही प्यारा है, ऐसे ऐसे बीट्स है इसमें. और ये भी हम इस तरह से पहन सकते हैं. ये भी आपका वेस्टर्न इंडियन कंटेम्प्रेरी सब पर जाता है. एंड जस्ट लुक एट दिस, दिस और लाइक दिस जस्ट लुक सो प्रिटी. सो या दिस वाज इट. एंड देन आई हैव वन मोर चोकर. यस गाइस, मेरे पास बहुत सारे चोकर्स हैं. मुझे पता है मैं चोकर्स बहुत खरीदती हूँ. ये एक बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट पीस है. इट्स वेरी सिंपल सा एंड क्लासी सा, लाइक यू नो जस्ट टू एलिवेट एंड एनहांस द लुक ऑफ योर आउटफिट. सो दिस देन या अभी मैं आपको मेरे सारे के सारे जो भी वेस्टर्न ज्वेलरीज हैं वो दिखाऊंगी. मोस्टली जो मेरे पास है सब कुछ शीन से है, बट मैंने अभी नहीं मंगाया, मैंने बहुत पहले मंगाया था. एंड अभी तो ऑब्वियसली लाइक शीन बैन हो गया इंडिया में. एंड सो बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सपोर्टिंग आर लोकल ब्रांड्स, तो नो प्रॉब्लम, वी विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग बेटर वेरी सून, मोर दैट शीन. एंड आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज कि हम और कहाँ से ज्वेलरीज बाय कर सकते हैं. तो अभी मैं आपको मेरे सारा पहले का कलेक्शन दिखाती हूँ. सो एक तो आई हैव दिस, दिस इज अ नेक पीस जिसको यू नो यू कैन वेयर इट ऐसा. तो ये बहुत ही ऐसा आजकल ना ऐसे चंकी ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा चल रही है. मेरे लास्ट शीन परचेज से ही है, तो ये ऐसे चंकी ज्वेलरीज बहुत चल रहे हैं. आई फील कि ये मतलब ना एवरी गर्ल शुड हैव दिस इन अ वार्डरोब, बिकॉज गाइज दिस इज समथिंग यू नो कि सपोज यू आर नॉट गेटिंग व्हाट टू वेयर, सो जस्ट यू नो पुट दिस अप एंड यू आर गुड टू गो. देन आई हैव दिस, ये ऐसे ट्रिपल चेन सॉर्ट ऑफ है, लाइक 4 चेन्स है एक्चुअली. एंड इसको भी हम ऐसा पहनते हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी है. मतलब मैंने ये Forever 21 से लिया था. और आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने पता है कब लिया था, जब मेरा MTV वाला शो था ना, तब मैंने ये लिया था Forever से. वैसे तो मैंने बहुत सारे ज्वेलरीज लिए थे उस टाइम स्टाइलिंग के लिए, बट ये उसमें से मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ. सो या
ये था. देन आई हैव समथिंग मोर विच इज इवन मोर प्रिटी. सो दिस जस्ट आई मीन गाइस जस्ट लुक एट इट. जस्ट लुक एट दिस. डोंट यू थिंक दैट दिस इज समथिंग लाइक यू नो वेरी प्रिटी. या आई मीन सी कितना ज़्यादा प्रिटी है. एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो डाला था स्टाइल स्कार्फ इन 7 डिफरेंट वेज. तो मैंने उसमें ये पहना हुआ था. अगर आप लोग को देखना है कि एग्जैक्टली कैसा लग रहा है तो आप लोग उस वीडियो में देख सकते हो और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बट ये बहुत प्रिटी है गाइज. लाइक दिस इज समथिंग वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट. एंड आई नो मैं शायद मैं सारे ज्वेलरी के लिए ऐसे बोलती हूँ. हर ज्वेलरी में मैं बोल रही हूँ कि दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. कि एक्चुअली मुझे ज्वेलरीज बहुत पसंद है स्पेशली नेक पीसेज. मुझे सब तो प्लीज़ हाँ इग्नोर क्योंकि मैं बोलते रहूँगी कि मुझे बहुत पसंद है बहुत पसंद है. देन आई हैव दिस वेरी प्रिटी नेक पीस. ऐसा पेंडेंट सा है चेन के साथ और ये लैवेंडर कलर में. गाइस एंड आप लोगों को पता ही है कि मुझे लैवेंडर कितना पसंद है. आई लव इट. ओके सो ये द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि दिस इज फ्रॉम बोथ द साइड्स. एंड सो दिस इज वन थिंग दैट आई लव 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 अ लॉट अगेन. ठीक है तो उसके बाद ना अभी जो मेरे पास है वो मुझे एक सेट में 3 मिले थे. तो मैं आपको ना साथ में दिखाती हूँ. ये ऐसा थोड़ा मार्बल पे है. मार्बल लुक पे है. ग्लिटर है. इट्स अ पेंडेंट अगेन. एंड एक मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है. सो आप लोगों को ना दिख रहा नहीं होगा. वेट मैं हाँ तो ये कुछ ऐसा सा है. सो एंड एक मैंने ना ऑलरेडी पहन के रखा है. ये है ऐसा ऐसा हार्ट बीट में है. लाइक हार्ट रेट के उसमें है. ये भी बहुत क्यूट है. ये मैंने बैंड्रा मार्केट से लिया था बॉम्बे में. तो ये तब का है. ये एक्चुअली इसको मुझे ली हुए अराउंड 1 or 2 years. हाँ मैं 1.5 years हो गए होंगे. ओके नाउ 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 वी हैव विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी गर्ल्स वार्डरोब एंड दैट इज पर्ल नेक पीस. या गाइज सो बेसिकली ये जो नेक पीस है इसमें कैसा है ना कि इसके अंदर एक कैसे हार्ड वायर है. ओके कि यू कैन शेप इट अप इन द वे यू वॉन्ट. कि लाइक यू नो सपोज ऐसा. ठीक है मतलब आप कैसा भी करके इसको शेप कर सकते हो. अभी तो मतलब मैं सिर्फ आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ टाइम पास के लिए. बट आप इसको कैसे भी शेप करके किसी भी तरीके से पहन सकते हो. एंड इवन इफ यू वांट टू वेयर इट इन योर हैंड यू कैन वेयर इट. और ये रुका रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी अंदर एक वायर है. देन इसी के सेम में मेरे पास एक और पर्ल नेक पीस है. तो वो दिस इज तो नॉर्मल नेक पीस. इसका जो मेन थिंग है इज लाइक इसके जो पर्ल्स है ना दिस इज स्मॉल टू बिग. ओके लाइक ऐसा सेंडिंग ऑर्डर ऐसा छोटे से बड़ा है. तो आप देख सकते हो. सो इसका लुक बहुत अच्छा आता है पहनने पे. प्लस इसका क्लोजिंग पैटर्न भी ना मुझे बहुत पसंद है. हाँ तो ये देन मेरे पास एक बहुत अगेन बहुत क्यूट कुछ तो है. तो जैसे ये है तो दिस इज अ बटरफ्लाई. बेसिकली वाइट बटरफ्लाई बहुत छोटू सा क्यूट सा है. कि अगर सपोज आपने कुछ भी पहना हुआ उसके लाइक अगर आपने कुछ स्पेसिफिकली डार्क कलर का पहना है ना उसके ऊपर आप ही पहनोगे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. और देन आई हैव वन चोकर अगेन. सो दिस इज द चोकर एंड दिस इज अगेन समथिंग वेरी प्रिटी. आपको तो दिखाती हूँ. प्लीज आवाज मत करो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. बाहर शूट करने में ना यही प्रॉब्लम है. इतने इतने आवाज होते रहते हैं कि सी दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज सच अ स्टेटमेंट पीस. ओह माय गॉड मैं आई एम जस्ट इन लव विद माय ओन ज्वेलरीज. आई मीन मैं जितनी बार खोलती हूँ ना उतनी बार मुझे प्यार हो जाता है इनसे. आई लव इट. Isn't it pretty? ठीक है तो और क्या है मेरे पास. Yes. How is this? ये भी ऐसा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा है. और ये तो बहुत पुराना है. पता है ये मेरे पास 3 years है.
जस्ट लुक एट इट, दिस इज समथिंग सुपर प्रिटी. तो अगेन ये भी बहुत प्यारा है, सभी चीजें प्यारी लगती है मुझे. ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं आप लोग को तो जज करने दे नहीं रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि हाँ ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है, तो बट मैं क्या करूँगी, मुझे लग रहा है तो मुझे लग रहा है. आप लोग बट आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोग का फेवरेट ज्वेलरी कौन सा था और आप लोग को कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिटी लगा, क्योंकि अपने ज्वेलरीज तो सबको ही अच्छे लगते हैं. ओके, तो अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये लास्ट है. और मेरे पास इसमें मुझे एक सेट में ना 6 मिले थे, तो ये इसकी बेस्ट पार्ट ही यही है कि इसके ऐसे 6 पीसेज है अलग अलग, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. मुझे तो मतलब बहुत पसंद है गाइस ये. सॉरी नहीं, अब मैं बोल ही नहीं रही कि मुझे बहुत पसंद है, आप लोग मारोगे मुझे वरना. हाँ, तो ये कुछ ऐसा है. सो मैं नेक्स्ट एपिसोड जरूर बनाऊंगी जिसमें कि मैं बाकी के ज्वेलरीज डालूंगी, लाइक मेरे इयर रिंग्स, बैंगल्स, रिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टफ. बट आज के में सिर्फ ये नेक पीसेस ही थे. सो आई होप आप लोगों को मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा. एंड प्लीज़ श्योरली कमेंट करना कि आप लोगों को मतलब आप लोगों का इसमें से ना फेवरेट कौन सा था. ठीक है, आप लोगों को कौन सा सबसे अच्छा लगा. सो yeah, that's pretty much it for today's video. And keep watching, keep sharing. Bye.